उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है। उत्तर प्रदेश क्या कहें, पूरे भारत में चुनाव नजदीक आ रहा है लोकसभा का, लेकिन नई भर्तियों की जो राह है खुलती जा रही है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी भर्ती का इंतजार है जो BTC, BEd, DLed से जुड़ा हर एक परिवार चाहता है। उत्तर प्रदेश में बेसिक में एक बड़ी शिक्षक भर्ती है, सुपर टेट की एक बड़ी भर्ती देखने को मिले, लेकिन शायद यह उम्मीद एक सपनों की तरह लगे हैं। उत्तर प्रदेश में भर्तियां ही भर्तियां हैं। अगर बात किया जाए इन भर्तियों में, संविदा पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है संस्कृत के माध्यम से, जिसका मैंने शासनादेश का जिक्र किया था, उसकी योग्यता क्या है उस पर भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। कस्तूरबा विद्यालय, बालिका विद्यालय, जिसमें लगभग 2000 पदों पर भर्ती होनी है, अलग अलग जिलों की विज्ञप्ति आ रही, लोग आवेदन भी करते जा रहे हैं, कुछ जिलों की आना शेष है, वो भी जल्दी ही आ जाएंगी और वहां भी आवेदन कर पाएंगे। लेखपाल की 4500 पदों पर भर्ती के आसार दिख रहे हैं, बाकी लगभग 8000 पदों पर जो था उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की जो संभावना है वो पूरी तरह से प्रबल है। अभी आपने देखा रेडियो ऑपरेटर के भी विज्ञप्ति खुल चुके हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी की अगर हम बात करें, कॉन्स्टेबल की बात करें, तो उसकी भी भर्तियां लंबित हैं। अभी हाल ही में SI की भर्ती पूरी हुई है, नई SI की भर्ती पर अध्याचन शुरू हो चुका है। साथ ही साथ अगर हम बात करें BEd अभ्यर्थियों के लिए जो भविष्य में बड़ी भर्तियां दिखाई दे रहे हैं, TGT PGT की परीक्षा होनी शेष है, जो BEd अभ्यर्थी जिसमें सम्मिलित है और TGT में और PGT में, तो PG वालों ने दिया। उसके बाद जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक बड़ी भर्ती होती है, जिसे एलटी ग्रेड के नाम से जानते हैं, और उसके साथ साथ एक और भर्ती है खंड शिक्षा अधिकारी। जी हाँ, इस वर्ष के अंत में आपको खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती देखने को मिल सकती है, विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है, जिसमें केवल BEd के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, महिला पुरुष, क्योंकि आजकल भर्तियों में एक नई चलन आ गई जिसमें महिला पुरुष का जिक्र बार बार करना पड़ता है, क्योंकि लोग कमेंट करके भी पूछने लगते हैं सर इसमें महिला या पुरुष आवेदन कर पाते हैं। फिलहाल इस पर भी हम लोग बात करेंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे क्रमवार रूप से। तो लेकिन अगर फिर से हमारे सवाल वहीं पर आकर अटक गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भर्ती देखने को मिलती है वो बेसिक शिक्षा विभाग में देखने को मिलती है। अगर हम TGT PGT की बात करें तो TGT PGT में हमें एक बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिलती, एक लिमिटेड भर्ती देखने को मिलती है, 4000, 5000, 6000, 10000 आ गया तो बहुत ज्यादा भर्ती आ गई। हायर एजुकेशन में भर्ती 2000, 1000, 800, 700 इस तरह से देखने को मिलती है। जो सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं वो सुपर टेट को लेकर है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा बेसिक के विद्यालयों में है, और हर एक दिन नई नई खबर अपडेट हो रही है। कोई ये कहा जा रहा है कि 30 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय को मर्ज किया जाएगा, अभी तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है और मेरे द्वारा इस पर कोई भी प्रतिक्रिया भी नहीं दी गई है। उसके अलावा कई बार इसका जिक्र किया जा रहा है कि संविदा पर ही उत्तर प्रदेश में शिक्षक रखे जाएंगे, यहाँ पर भी ये भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोरा। उत्तर प्रदेश में एक नया जो आयोग गठन की बात चल रही थी, उस आयोग पर भी ड्राफ्ट पूरा तैयार हो गया, जल्दी उस पर कैबिनेट की मोहर लगने वाली है और आने वाले यह जो महीना इस पर पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। किंतु न्यायालय बंद हो रहा है, जुलाई के मध्य में आपको यह भी पता चल जाएगा BEd BTC का जो विवाद था वो पूरी तरह सुलझ जाएगा, और विवाद सुलझने के साथ साथ कई रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि BTC के अभ्यर्थी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और कमेंट में भी आपने देखा होगा कि BEd के अभ्यर्थी TGT दे सकते हैं, BEd के अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय दे सकते हैं, BEd के अभ्यर्थी कस्तूरबा गांधी दे सकते हैं, LD ग्रेड दे सकते हैं, जूनियर हाई स्कूल का दे सकते हैं, और साथ ही साथ आपने देखा कि बड़े हायर एजुकेशन के नीचे जितने भी हैं, जैसे जूनियर हुआ, माध्यमिक, उन पर सभी भरते हैं, जितने भी पद आते हैं उसमें BEd के अभ्यर्थी दे पाते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी ये दे पाते हैं। अगर बात की जाए BTC अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल नहीं है, या BTC के अभ्यर्थियों को भी इसके लिए एलिजिबल किया जाए, बेशक उनके लिए 2 से 3 महीने के लिए अलग से इसका प्रशिक्षण किया जा सके। और वहीं भी BEd का अभ्यर्थियों का दावा है कि हमें दोनों के लिए मौके दिया जाए, लेकिन अब न्यायालय के विवेक पर है क्या होना है। वैसे BTC के अभ्यर्थी कहते हैं मुझे केवल प्राइमरी में ही मिलती है, बाकी के हायर में हम नहीं दे पा रहे हैं, माध्यमिक में हम नहीं दे पा रहे हैं, जूनियर में नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आपस में पेश बने। इन सभी सवालों पर पूर्ण विराम लगने वाला है आने वाले जुलाई में, और इस आने वाले जुलाई के साथ बहुत सारे रास्ते भी क्लियर होने वाले हैं BEd और BTC का। इसलिए आप देख रहे हैं इस समय ज्यादातर जो भर्तियां हैं वो BEd को फोकस करते हुए आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी का कहना यह भी है सर ज्यादातर भर्तियां BEd पे आ रही, ताकि BEd के अभ्यर्थी खुश रहे, क्या प्राथमिक से BEd बाहर हो सकता है क्या, ऐसे भी सवाल कमेंट सेक्शन में माध्यम से मिला, ट्विटर में मिला है, और फेसबुक पेज इलेक्ट्रिक पर भी कमेंट आए थे, मैंने भी पढ़ा था, तो हो सकता है आपने भी, आप में से किसी ने कमेंट किया हो, ऐसे बहुत सारे सवाल इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन फिर से हमारी सवाल वापस आती है कि यूपी टेट कब होगा, या यूपी टेट होगा तो बार बार यूपी टेट ही होगा, सी टेट बार बार होगा, हमें शिक्षक भर्ती की दरकार है, हमें एक शिक्षक भर्ती की जरूरत है, वो भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और फिर मैं बात वही रिपीट करूंगा कि नया आयोग गठित होने के कगार पे है और अंतिम चरणों में है, और नया आयोग गठित होने के बाद कुछ बातें साफ हो पाएंगी, कुछ बातें पे फिर भी पर्दे रहेंगे। जैसे कि एकदम एक बात साफ मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बेसिक में भर्तियां जो आएंगी बड़े पदों पर भर्ती होने का आसार बहुत कम हो रहा है। बड़े पद का मतलब समझ रहे हैं, 2 लाख पद, 1 लाख पद, 72,000, 69,000, 68,500 इस तरह के जो पद थी, इस तरह के पद आपको देखने को नहीं मिल पाएंगे। कुछ लोग हो सकता है इस पर टिप्पणियां करें, हो सकता है कुछ लोग इस पर कमेंट करें, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है।
बाकी स्थिति अपने आप साफ होने वाली है, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी जो है वो ये चाहती है कि हर साल भर्ती है, जो आयोग गठित हो रहा है उसका सबसे बड़ा ये मकसद है कि हम हर साल, जैसे लोक सेवा आयोग भर्तियां कराती है, संघ लोक सेवा आयोग भर्तियां कराती है, तो जिस तरह का कैलेंडर जारी होता है, प्रत्येक वर्ष भर्तियां होती है पूरे साल, मतलब पूरे साल पर एक साल के अंदर सारी भर्तियां कंप्लीट, फिर अगला सेशन, फिर अगला सेशन, ऐसे अच्छे जो अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिलता रहेगा, वो भी आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए इस लिहाज से इस आयोग का गठन करने का जो मुख्यमंत्री जी की जो दूरदर्शिता वो इस पर भी है, बड़े मतलब इकट्ठा ज्यादा पद दे दिया जाता है, कई साल भर्तियां गैप हो जाती है, 567,569 बाद 4 साल का जो एक सूखा देखने को 5 साल का मिल रहा है, इस तरह का सूखा भविष्य में देखने को ना मिले, तो क्रमिक टूट टूट के भर्तियां हैं। तो पहली बार जब आयोग गठित होने के बाद आएगी तो हमें बड़े पद पर भर्ती देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद और कम कम भर्तियां देखने को मिलेंगी। एक अगर औसत मैं बताऊं, एक अनुमान है पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट है, मैंने आपको बता दिया और आपने इसको नोट डाउन कर लिया, आपने इसे लिख लिया, और यहाँ पर जो है अनुमानतः जो लगाई जा रही, उम्मीद जो लगाई जा रही है, वो हर साल 15-12 हजार हर साल नियुक्ति देने का प्रावधान शुरू किया जाए। पहले साल हो सकता है 50,000-51,000 जिस पदों की बात की जा रही उतने पदों पर दिया जाए, बाकी जितने पद रिक्त होते जाएंगे उन पदों के सापेक्ष भर्तियां की जाएंगी। एक बार बार सवाल आ रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में संविदा पर भर्ती की जाएगी, ये पूरी तरह से अफवाह है, कोरी अफवाह है, इसका मैं खंडन करता हूँ और इस तरह से माननीय सरकार की कोई मंशा नहीं है। और अगर आपके भी कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो कॉमेंट कर सकते हैं। आपका व्यक्तिगत सुझाव इसमें क्या है बीएड भी टीचर को लेकर, क्योंकि बीएड को ढेर सारे मौके देखने को भी हाल फिलहाल में मिल रहे हैं आपको, इसमें आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है? बीटीसी के अभ्यर्थी भी बहुत परेशान है, सर मैं बीटीसी करके फंस गया, मैं टेट भी जूनियर प्राइमरी दोनों का सर पास हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए तो कोई भर्ती नहीं है, मैं कुछ दुर्बा आवेदन कर पा रहा हूँ, ना टीजीटी में आवेदन कर पा रहा हूँ, ना मैं एलटी ग्रेड में आवेदन कर पाऊँ, नवोदय विद्यालय आवेदन कर पाऊँ, नवोदय विद्यालय की भर्तियाँ खुलने जा रहे, संविदा पे जो संस्कृत के शिक्षक हो जा रहे वहाँ पे भी बीएड के अभ्यर्थी और जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है वही आवेदन कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों में विवाद की स्थिति है और एनसीटी की गाइडलाइन को लेकर चैलेंज किया गया है, क्योंकि अगर ये फैसला आएगा तो बहुत कुछ उलटफेर करने वाला है। इसलिए फैसला क्या होगा इस पर सभी की नजरें हैं, सभी की निगाहें हैं और हम सभी की नजरें निगाहें हैं, क्योंकि उसमें ये भी कहा जा रहा है कि 72,000 जो भर्ती है वो भी 69,000 भर्ती इस पर भी होगा, पश्चिम और नई सूची को लेकर भी, मतलब कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे विवाद है जिसका थम नहीं रहा है, लेकिन अंत में हमें और आपको एक नई शिक्षक भर्ती की जरूरत है उस प्रदेश के युवाओं के लिए, इस प्रदेश के बीटीसी बीएड पास टेट सीटेट पास अभ्यर्थियों को एक बड़ी शिक्षक भर्ती की जरूरत और दरकार है, क्योंकि टेट सीटेट खेलते खेलते वो भी उब चुके हैं और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र भी क्रॉस होती जा रही है। एक सुझाव ये भी कमेटी को भेजना है और ये भेजना है कि कोविड के बाद से जो 2 साल का गैप रहा है, इन 2 साल की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के उम्र जो पड़ाव पे थे वो पड़ाव भी क्रॉस पार कर चुका है, तो अगर आयोग, माननीय आयोग विज्ञप्ति बनाते समय इस बात का ख्याल रखे कि 2-2 साल का जो उम्र सीमा में 2 से 3 साल का छूट दे देती है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के परिवार के ऐसे व्यक्ति अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो पाएंगे जो उम्र के एकदम अंतिम पड़ाव पे थे और जो उम्र भी कटती जा रही है, उनके लिए भी विशेष मौका होगा। इस पर भी हम लोग बात करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे आपका कोई सुझाव है क्या, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और वैसे आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके कोई सुझाव है, तो ये वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रत्येक रात 9 बजे हम आपके लिए हिंदी की सीरीज ला रहे हैं, टॉप 100 की सीरीज, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हम जनरली परीक्षाओं की बात करते हैं सामान्य नीति सबके लिए महत्वपूर्ण है, तो सामान्य नीति के साथ साथ हम फिर से जीएस की सीरीज शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें और टिप्पणी करिएगा, कमेंट करिएगा, कितने भी साथी ऐसे हैं जो हमारे साथ तैयार हैं, हमारे साथ तत्पर है, जहां पर हम आने वाले भर्ती परीक्षा अगर हम बात करें जिससे जो हमारे और आपके सामने एक बड़ी भर्तियां दिख रही है, जैसे जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के माध्यम से कराई जाती है, जिस पर एलटी ग्रेड जिसमें बीएड के अभ्यर्थी समझ सकते हैं, उसके लिए टेट अनिवार्य नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो खंड शिक्षा अधिकारी, तो ऐसे भर्तियों के लिए भी अगर आप तत्पर तैयार हो तो आपके लिए भी हम इस सेशन को शुरू करने जा रहे हैं, सेशन को ओपन करने जा रहे हैं। वैसे आपकी इच्छा क्या है कि इसमें केवल केवल जीएस की सेशन शुरू करें, क्योंकि जीएस ही आप सभी के लिए अंतिम निर्णायक और अंतिम निर्णय के अधीन आता है, तो आप जो भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं देख रहे हैं वे कॉमेंट सेक्शन में जाएंगे और कॉमेंट करके हमें बताएंगे हम, ताकि आपके साथ मिलकर इस सेशन को क्रमवार रूप से और आगे लेकर चलो और आगे भी बढ़ाते चले। वैसे आपकी राय क्या, फीडबैक क्या, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। बिहार शिक्षक भर्ती का पिटारा खुल जाएगा कल से, उसी कैलेंडर भी जारी हो चुकी है, तो बिहार में केवल बिहारी आवेदन कर सकते हैं, बिहारी फॉर्म भर सकते हैं, बिहारी कुल परीक्षा दे सकते हैं, इस पर मंथन करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिहारी लोग ही कर पाएंगे। और मैं इस पर सेशन शुरू करना चाह रहा था क्लासेस, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा गैप कर दिया, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा कराई कि परीक्षा का पैटर्न भी थोड़ा सा कड़ा होने वाला है। फिलहाल देखते हैं भविष्य में, निकट भविष्य में क्या होता है, फिलहाल आप लोग अपनी नजरें बनाए रखें अपनी परीक्षा पे और इस वीडियो को ज्यादातर शेयर करें। और इसके अलावा 2 यूट्यूब चैनल है, सुपर टेट विद दुर्गेश, जिस पर सुपर टेट यूपी टेट के सभी क्लासेज आपको मिलती जाएंगी, और स्टडी विद दुर्गेश सर चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और
कोई भी समाचार, कोई भी न्यूज होगी उसके लिए टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा, सभी न्यूज सूचना आपको मिलती रहेंगी। वैसे ये चैनल भी आपके काम आएगा, मैं गेस्ट के रूप में मुझे जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए क्लासेज वीडियो लेक्चर लेके आता रहता हूँ, आगे भी लेकर आता रहूँगा। आप इसमें सुझाव दीजिएगा एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए क्या आप तैयार हैं, और सुपरटेट की जीएस की सीरीज होगी और हम आपके लिए प्रॉपर तैयार करें उसकी जो पीपीटी पूरी तैयार करा ली है पूरी जीएस की, उसकी क्वेश्चन बैंक्स भी हमने तैयार करा लिए। लेकिन अगर आप साथ देंगे तो हम इस सेशन को फिर से आपके साथ लेकर आएंगे और कंधे से कंधा मिलाकर लेकर आगे तक चलेंगे। वैसे आपका सुझाव और फीडबैक हमें चाहिए, इन सभी मामलों में क्या है आपका बीएलबीटीसी के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं कि किसको ज्यादा मौके किसको कम मौके, आप अगर रास्ता निकालें तो इसमें बीच का रास्ता आपके लिए क्या होगा, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि जो नया आयोग गठित होने की बात थी वो काफी तेज गति चल रही है और ये प्रक्रिया आने वाले महीने में पूरी तरह से जमीन पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और प्रयागराज में मुख्यालय खोलने का जो सबसे प्रमुख और उद्देश्य यह था कि मुख्यालय बनाने का जो समय था वो नहीं लगेगा, वहाँ पे ऑलरेडी जो बहुत सारे ऐसे माध्यमिक के जो आयोग थे उसी आयोग में ही इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऐसा उम्मीद है, ऐसा संभावनाएं की जा रही है। और बहुत सारे अफवाहें भी आ रही हैं नए आयोग को लेकर कि यहाँ ये हो सकता है, ये बदलाव हो सकता है, ये बदलाव होता, इस पर भी हम क्रमवार रूप से वीडियो बना देंगे अगर आपके कोई सुझाव अगर होंगे तो, जिस पर आपका कोई टॉपिक ऐसा होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो विभागीय बातें आप तक पहुँचाना और आपके बीच और इस हमारे बीच का एक जो दायरा बनाता है जिनकी दीवार बनाता है तो उन सब तक कुछ चीज़ों को मैं नहीं डिलीवर कर सकता, क्योंकि हर विभाग की शुचिता और मर्यादाएं होती हैं और उसका भी मुझे पालन करना है और नैतिक जिम्मेदारी अपने विभाग की तरफ से और आपकी तरफ से भी मैं पूरा करता रहूंगा। और दोनों के बीच की जो सेतु है उस सेतु में कब उतार चढ़ाव आना है, कब कहाँ क्या के लेकर चलना, उसको भी मुझे ध्यान रखना होता है। और उम्मीद करता हूँ आप भी अपने सपनों को साकार करिएगा, रेगुलरिटी रखिएगा, क्योंकि भर्ती का पिटारा जब भी खुलेगा आपको पढ़ने का समय नहीं देगा, केवल रिविजन का समय देगा। उस समय जो लगातार पढ़ रहा है वही सफलता के करीब पहुंचे, क्योंकि अब पद संख्या कम हो रहा है, अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस दशा में आपके लिए यही चीजें सबसे प्रमुख और अहम हो सकते हैं। सभी का धन्यवाद, वीडियो को शेयर किया अगर आपका थैंक यू, अगर लाइक किया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू आपको। लेकिन हाँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते जाइएगा, और अगर वीडियो को फेसबुक पेज लेने में दुर्गेश पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा और अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा इस वीडियो को, और पेज पे नए हैं तो फॉलो और लाइक करेगा। अगर कोई व्यक्तिगत सवाल है इलेनी विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं इलेनी विद दुर्गेश के साथ जुड़े रहें, इसका व्हाट्सएप नंबर है 9451062078, जिस पर अपना नाम और जिला लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।